नमस्कार, हम आपको बता दें हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा क्षेत्र के बोचिंग गांव से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण सिंह और उनकी माता रुमला देवी जी। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 6 महीने पहले हमने एक खबर चलाई थी। खबर इस तरह से थी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये नौजवान 1 जनवरी, हम बात करें 1 जनवरी की, तो एक अग्निकांड में ये जो है अपने शरीर को गंवा बैठे थे। इनका शरीर देखिए, पूरे हाथ जल चुके हैं, पैर जल चुके हैं, स्किन जल चुकी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरे जल चुके हैं। जी हाँ, मैं चाहूँगा सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, हिमाचल के लोगों से, कि इस खबर को जो है शेयर करें और इस परिवार को, इस कृष्ण कुमार को जो एक यंग है, युवा है, आप सभी की हेल्प की ज़रूरत है। आज का जो वीडियो है और आज की जो खबर है, ये सिर्फ इनकी हेल्प के लिए है। हेल्प किस तरह की रहेगी, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि 1 जनवरी से ये PGI चंडीगढ़ में इनका इलाज चल रहा था। आप सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग इन लोगों का किया है। जो इनकी माता जी हैं रुमला देवी जी, उनके पिताजी जो हैं वो एक साधारण परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, BPL परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, ये आपसे, आप सभी समाज सेवियों से और सभी हिमाचल वासियों से एक अरदास कर रहे हैं। और हम भी दुखी मन से ये कह रहे हैं कि इन भाई की जो है, अब इन छोटे भाई की अब हेल्प होनी चाहिए। हेल्प किस चीज़ के लिए करें, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि इनके जो हाथ नहीं रहे हैं, अब हाथ जो है इनके जो हैं कट चुके हैं, और इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। और हम फिर बताना चाहेंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इनका तन मन धन से जिस तरह से हो सका आप लोगों ने सहयोग किया। और एक बार पुनः ज़रूरत है, हम चाहेंगे कि आप इस स्ट्रीम को जो है अधिक से शेयर करें और हर उस समाज सेवी तक, उस संगठन तक, उस NGO तक पहुँचाएँ जो इनकी हेल्प करना कर सकते हैं, उन हेल्प करने में सक्षम है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इनके जो हाथ हैं, जिस तरह से इन्होंने बात की, रोबोटिक हैंड इनको लगेगा इस हाथ में, जिसकी कॉस्ट कम से कम हमारे पास इनका जो बिल है पड़ा हुआ है 1,15,50,000 रुपये जो है इस हैंड के लिए, जो रोबोटिक हैंड है। और उसमें जो है वो जिस तरह से डॉक्टर की बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि 15-16 उसमें जो है फीचर्स हैं, ये हाथ कुछ लिख सकते हैं, अपना खाना पीना खा सकते हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ये थोड़ी बहुत कर सकते हैं उस हाथ से, तो आप ये मान के चले। और दूसरा हाथ भी है, ये लगेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है, अगर सेम हैंड डालेंगे तो इसकी ज़्यादा कॉस्ट रहेगी। फिलहाल इसके लिए ये टॉयज़ हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 लाख तकरीबन इसकी कॉस्ट भी आएगी, तो टोटल लमसम इनको 17 लाख तक जो है सहायता की ज़रूरत है। और हम बिल्कुल चाहेंगे खबरकास्ट TV से, आप सभी से, सभी बुद्धिजीवियों से और सभी समाज सेवियों से और सभी जो सेवक हैं, जो लोगों की समस्या को सुनते ही जो है आगे आते हैं, उन सभी से कि इस छोटे भाई की हेल्प करने के लिए आगे आएँ। इन्हीं से बात करेंगे, आपकी पूरी बात करवाएंगे। तो जिस तरह से अभी आप कब आए हैं चंडीगढ़ PGI से? यहाँ पर अभी मेरे को 1 हफ्ता हुआ है, मैं तभी वहाँ से फ्री हुआ हूँ। पहले मंगवाते रहते थे कि 15 दिन के बाद चेकअप के लिए आते रहे, तो धीरे धीरे जो जो बाकी बच चुका था ट्रीटमेंट वो चलता रहा। अब उन्होंने कहा कि आप स्वस्थ हैं, घर पर रहिए। पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। तो अब मेरे को मेन प्रॉब्लम खाने पीने, काम करने के लिए, जैसे दिनचर्या के लिए लोगों को हाथ की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत है। तो हमने बात करी तो जैसे जैसे पता लगा कि अमाउंट 15 लाख समथिंग करके है, तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तब करके हमने आपसे बात करी ऐसे ही। अब तो देखिए, नौजवान भाई है एक, हमारा छोटा भाई कहें, और जिस तरह से स्थिति है, और आप सबसे उम्मीद कर रहा है कि कोई इस भाई की जो है एक फीलिंग को समझे। और जिस तरह से इन्होंने बात की है, 15 लाख, 15.5 लाख इसका बजट है। हम आपको बता देंगे स्क्रीनिंग में जो जिस हॉस्पिटल से इनकी जो एस्टिमेटेड इन्होंने लिया है हैंड का, वो भी। और इनकी माता जी हैं, देखिए किस तरह से होता है, एक बेटा जब इस माँ जो है एक दुख की फरियाद लेके हमारे पास आई और आप लोगों के पास हमारे माध्यम से, और हम बात भी करना चाहेंगे माता जी से, क्योंकि बड़ा संघर्ष इन्होंने झेला है पिछले 6 महीनों से लगातार। बेटे की जो थी शुरू में हालत इतनी ख़राब थी कि शायद बेटा, हम तो कहें कि जिस तरह से हमें मालूम हुआ और इन्होंने बताया भी था कि ये आप सबके सामने अभी लाइव है, होते हैं नहीं होते, तो ये बड़ी बात है। तो
क्या कुछ रुमला जी से जानेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे सबको नमस्कार खरहास टीवी में। तो आप लोगों ने पहले भी मेरी बहुत मदद की है, सबसे पहले आपने मेरी मतलब हेल्प की है इसमें, तो इसके बाद मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और लोगों ने भी बहुत हेल्प की है हमारी, जितना की मतलब हो सके उतना ने मतलब हेल्प की लोगों ने, तो मतलब आगे के लिए हम बहुत जरूरत है। अभी देखा अपने बच्चे की खुद हालत देख रहे हैं कितनी कैसी है, तो इसके बारे में सोच रहे भी चलो आगे के लिए हेल्प की जरूरत है हमें, तो बस अब देखो अब कुछ नहीं बोलना मुझसे ज़्यादा। आप बिल्कुल भावुक हो गई हैं माता जी, और सिचुएशन ही ऐसी है, बेटा नौजवान बेटा साथ में बैठा है और किस तरह से अभी भी माता जो है एक उम्मीद लगाए बैठी है, और इस उम्मीद में ही बेटा आज यहाँ इस हालात में है कि कम से कम आपके सामने बैठा है और बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जब शुरू में हमने देखा था और आपने भी देखा था समाचार पत्रों के माध्यम से वीडियो के माध्यम से, तो इनके हालात जो थे ऐसा लग रहा था कि इनका बचपना भी शायद बड़ा मुश्किल लग रहा था शुरू में जैसे हमने देखा था। हाँ जी हाँ जी, वो तो मैंने भगवान के ऊपर ही भरोसा था, अभी तो इनको तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया था तब, नहीं तो आज पता नहीं होते इस दुनिया में नहीं भी होता बच्चा। क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारे आपने जैसे पहले भी लोगों ने आपकी हेल्प की है और आगे भी जिस तरह से टोटल एस्टिमेट जैसे मैंने देखा है अभी बिल्स के माध्यम से, आप भी बता दें कि कितना खर्चा है वो बताएं, और तमाम लोगों से समाजसेवियों से या हम कहें तो मंत्रियों से, कोई हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से कोई आपकी अरदास रहने वाली है। हम तो चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तक ये न्यूज पहुंचे ताकि वो भी हमारी हेल्प करे, आज तक तो हमारी इन्होंने मुख्यमंत्री ने कोई हेल्प ही नहीं किया था, अब हमें ज्यादा अमाउंट की जरूरत है मतलब इतना 18-20 लाख की, तो आगे आगे पहुंचे तब कि वो भी मतलब हेल्प करें ज्यादा, मतलब ऐसा ही है इसमें जी। जिस तरह से अभी आप ये सोच मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्या कुछ उनको बोलना चाहेंगे कैमरे में कहें कुछ मुख्यमंत्री से? यह सभी मतलब हमें हेल्प की जरूरत है सर, आप भी हमारी हेल्प करो, गरीब परिवार से है देखो आप ही खुद मतलब आके हमें हेल्प की जरूरत है, हमें इस टाइम 20-18 लाख की जरूरत है, तो आप भी हमारी हेल्प करें साथ साथ की मतलब आगे आगे पहुंचे तब आप मतलब हमारी हेल्प कर सकते हैं पूरी। तमाम जिस तरह से बात की अभी बात चल रही है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हेल्प की अरदास की है, और मुख्यमंत्री जी भी जो हैं जिस तरह से जो बेटा है उसकी हालात जो है, जो छोटा भाई है उसकी हालात जो है कुछ ठीक नहीं है, और जिस तरह से आपने इनको रोबोटिक हैंड की बात करी है, जो 18 लगभग तकरीबन 18 लाख इन्होंने जो है इसका एस्टिमेट बताया है, तो इतना खर्चा है, तो हम चाहेंगे आप बिल्कुल दिल खोल कर इनकी सहायता करें आप लोग, और जब ये एस्टिमेट पूरा हो जाए मैं चाहूँगा कि आप जो सारे NGO हैं जो इस खबर को देखेंगे वो भी इनकी सहायता के लिए आगे आएँ, और जब ये इस जो हम इनका खाता नंबर जो है मेंशन करेंगे उसके बाद जो इनका पूरा हो जाएगा जैसे ही, तो हम वो आपको बता देंगे खबर के माध्यम से ही कि अब इनका जो अब 18 लाख है वो कवर हो गया, तो उसके बाद हम बता देंगे जी। जी जब पैसा पूरा हो जाएगा तो हम ही आपको बता देंगे कि हमारा पूरा मतलब खर्चा हो गया, आप हम फिर सबका धन्यवाद करेंगे, फिर हमें आपको बता देंगे कि हमारा सब खर्चा पूरा हो गया है। देखिए बहुत एक स्थिति देखिए एक माता की, हम फिर बताना चाहेंगे जिस तरह से माँ है बेटा सामने है और बेटे के हालात इस तरह से हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बेटा जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो जो दानी सज्जन हैं या कोई सहयोगी लोग हैं उन्हें भी एक अच्छी खबर ये है कि अब आपका जो लगाया हुआ या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जिन्होंने पहले हेल्प किया उनके लिए भी कहना चाहेंगे, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं गया है, वो आपके सामने जो है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हालात इस तरह से हैं, कमरे के हम हालात बता रहे हैं आपको, ऐसे मकान में रहते हैं और क्योंकि रहना पड़ रहा है, जैसे इनके घर जो हैं वो बोचिंग में है जो बरोट में पड़ता है, बरोट क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट जिला मंडी में, तो वहाँ पे ये आ जा नहीं सकते हैं, तो यहीं एक रेंटेड रूम में रहते हैं, तो देखिए हालात इसकी देखिए अब क्या करें, अब इनके आप अभी आप क्या काम करते हैं, कुछ करते हैं अभी तो कुछ नहीं करते हैं? अभी तो कुछ नहीं, पहले तो करती थी, उसके बाद जब बच्चा बीमार है उसके बाद काम भी छोड़ दिया, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो घर में ही है। हाँ जी, हिमाचल की जनता जो है और पूरे भारत की हमारी जो जनता है, जो समाज सेवी लोग हैं या हम कहें तो लोगों की हेल्प जो नीडेड पीपल है उनकी हेल्प करने के लिए लोग जो हैं आगे आते हैं, और ज़रूर हम भी चाहेंगे खबर खास टीवी के माध्यम से आप सभी दानी सज्जनों से, आप इस छोटे भाई की माता जी हैं जो रो बिलख रही हैं और इनका बेटा जो है कुछ उम्मीद है आप लोगों से
कि बेटा जो है वो उनका हाथ जो है जो एक हम कहें तो रोबोटिक हैंड जो है वो इनका लगे। और एक जीवन में होता है हर इंसान को कि वो भी कुछ करना चाहे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं कुछ अपने हाथों से करूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि अब जब हाथ नहीं होंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत ही मंजर जो है इस तरह का मंजर है, काफ़ी डरावना कहें या कुछ दिल को दहला देने वाला ही आप कहें, आपके सामने है। हम आपको कुछ गलत या झूठी खबर नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने है। और जब पहले थे, पहले भी आपको बताया था और आप सब लोगों ने जो है भरपूर सहयोग इनका किया है, और इस बार जो है 18 लाख इस परिवार को चाहिए। तो बिल्कुल जी, हम आपको कहना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे। और स्थानीय जो विधायक हैं ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं और क्षेत्र है वो आता है, वहाँ के जो विधायक हैं श्री पूर्णचंद जी, वो भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, हमने उनके बारे में भी सुना है। शायद इस खबर को सुनकर वो भी आपकी हेल्प करें। और स्थानीय हमारे जोगिंद्रनगर के विधायक, आप इस वक्त जोगिंद्रनगर में हैं, और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं श्री प्रकाश राणा जी, वो भी गरीब लोगों की हेल्प करते हैं और शायद आपकी हेल्प करें वो, हमारा तो ये मानना है। क्या कुछ आपकी अरदास रहेगी लोगों से, क्या आखिरी में अपील खबरखास टीवी के माध्यम से रहेगी आपकी? यही है कि मतलब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मतलब हमारे उधर इसमें सीएम तक पहुंच जाए, और जो हमारे विधायक है उधर के द्रंग के, वो भी इसको देखे, वो भी हमारी हेल्प करे, इसके बारे में बोल सकते हैं हम, और क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग, ताकि जल्दी से जल्दी न्यूज़ पहुंच जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी बच्चे का इलाज कर सके, ताकि मतलब कुछ अभी खुद खा नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता, तो मतलब फिर ऐसा जल्दी से जल्दी कुछ खाने लायक हो जाए अपने लायक। बस हमें सोचते हैं लोगों से जल्दी शेयर करो, जल्दी हेल्प करो हमारे, बस जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतना करना जल्दी से जल्दी। देखिए, और आखिर में छोटे भाई से भी जाना चाहेंगे, कृष्ण कुमार जी से भी, आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से भी और लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके मेरी हेल्प कीजिए, चाहे 1 रुपये की कीजिए या जैसे भी कीजिए, लेकिन मेरी हेल्प कीजिए। मेरे को भी अभी लगता है कि मेरे को भी आम लोगों की तरह खाना है, लाइक जैसे भी छोटा मोटा काम करना है, उसके लिए तो मेरे को पैसों की अभी सख्त ज़रूरत है। आप मेरी मजबूरी समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मेरी मदद कीजिए। जो हमारे सीएम साहब हैं, विधायक हैं, हो सकता है कि वो हमारी ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं, सो प्लीज़ हो सके तो हमारी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हम उम्मीद रखते हैं आपकी मदद जो है, शासन प्रशासन से भी चाहेंगे और आम समाज सेवियों से भी चाहेंगे, जो लोग जो हैं नीडेड पीपल की हेल्प करते हैं उनसे भी चाहेंगे। और जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी से हेल्प की एक गुहार लगाई है, लोगों से मदद की गुहार लगाई है, तो वो लोग आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और हम भी कहना चाहेंगे खबरकास्ट टीवी के माध्यम से कि आपका एक शेयर, और जिस तरह से छोटे भाई ने कहा आपकी 1 रुपये इनके लिए हेल्प बहुत मायने रखती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी को उनका एक खोया हुआ अंक वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके जगह पे एक जो रोबोटिक हैंड है वो इन्हें मिल सकता है। तो इतनी ही कामना है। 18 लाख इन्होंने एक एस्टिमेटेड बजट अपना बताया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है, सबसे पहले इस खबर को जो है जितना आपसे हो सकता है आप इसको शेयर करें, उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि आप फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प करने के लिए आगे आएँ। एनजीओ से भी चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब 1 रुपये जिस तरह से उन्होंने कहा, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, आपसे जितनी हो सकती है अपने सामर्थ्य के अनुसार इनकी सहायता करें, इस गरीब परिवार की सहायता करें। बस खबर खास टीवी के लिए मुनीष ठाकुर और मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।